नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं thelallantop.com। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और आपने देश के पहले प्रधानमंत्री को बेइज्जत करने वाले पोस्ट नहीं देखे तो मतलब आपने कुछ नहीं देखा। दर्जनों तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पंडित नेहरू को चरित्रहीन साबित करने का एक खजाना मौजूद है। इसी खजाने की एक पोस्ट पिछले कुछ महीनों से खूब वायरल हो रही है। लोग चटखारे लेकर शेयर कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। क्या है इस पोस्ट में? एक तस्वीर है जिसके साथ एक लाइन में मैसेज लिखा है, आज़ादी की लड़ाई में बाएं गाल पर लगी गोली से घायल चाचा नेहरू। ऑथेंटिसिटी की वजह से हमने व्याकरण की गलतियां ठीक नहीं की हैं। तो क्या ये तस्वीर किसी लड़ाई के मैदान की है जहां पे नेहरू लड़ते हुए जख्मी हो गए? नहीं, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है जिसमें नेहरू की साइड प्रोफाइल दिख रही है। पीछे से एक लड़की ने उनके गाल पर हाथ रखा हुआ है और वो उन्हें गाल पर किस कर रही है। नेहरू के साथ एक और आदमी खड़ा है जिसकी पीठ दिख रही है। ये एक तस्वीर है। इसके अलावा एक और तस्वीर है जिसमें नेहरू की पीठ दिख रही है और एक महिला सामने से उन्हें गाल पर किस कर रही है। ये फोटो भी ब्लैक एंड व्हाइट है जिसमें नेहरू के आसपास यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग दिख रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को जिन मैसेजेस के साथ शेयर किया जा रहा है उनसे साफ है कि नेहरू का मजाक उड़ाया जा रहा है। आजादी की लड़ाई में उनके योगदान पर सवाल उठाया जा रहा है और उन्हें चरित्रहीन साबित किया जा रहा है। पर असलियत क्या है? नेहरू को चूमने वाली वो लड़की कौन है? चूमना हमेशा रोमांटिक नहीं होता है, कि सिर्फ वही नहीं होता जो प्रेमी प्रेमिका करते हैं। चूमने का मतलब सेक्स नहीं होता है, स्नेह जताने के लिए भी किस किया जा सकता है। किसी अपने की सलामती की दुआ मांगते हुए भी उसे चूमा जा सकता है। गाल पर, माथे पर, हाथ पर, आंखों पर, ये भी वैसा ही किस था। पहले बात करते हैं पहली तस्वीर की। इसमें दिख रही लड़की कोई अंग्रेज या नेहरू की प्रेमिका नहीं है, वो नेहरू की भांजी नयनतारा सहगल हैं, नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी। दूसरी फोटो में जो महिला नेहरू को चूम रही हैं वो नयनतारा की माँ हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू की बहन खुद विजय लक्ष्मी पंडित। नयनतारा और नेहरू की फोटो कब की है? ये दोनों तस्वीरें अलग अलग मौकों की हैं। पहले नयनतारा वाली तस्वीर की बात करेंगे। ये देश की आजादी के बाद की बात है। नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे और साल 1955 में विदेशी दौरे पर ब्रिटेन गए थे। उस समय विजय लक्ष्मी पंडित ब्रिटेन में भारत की हाई कमिश्नर थी। नेहरू जब लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरे तो विजय लक्ष्मी अपनी बेटी नयनतारा के साथ उन्हें रिसीव करने आई। रिसीव करते समय प्यार जताने के लिए बहन ने भाई के गाल को चूमा। भांजी भी खुश होकर पीछे से प्यार जताने आई और उन्होंने मामा के गाल पर किस कर लिया। ये पहली फोटो की बात है। दूसरी फोटो विजय लक्ष्मी और नेहरू की फोटो कब की है? ये फोटो 1949 की है जब विजय लक्ष्मी अमेरिका में भारत की राजदूत थी। जब नेहरू अमेरिका गए तो विजय लक्ष्मी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंची। रिसीव करते हुए बहन ने भाई को गले से लगाया और प्यार से गाल पर किस किया। इस तस्वीर के बारे में सर्च करते हुए हमें यूट्यूब पर 1949 का एक वीडियो मिला। ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि विजय लक्ष्मी और नेहरू की जो तस्वीर वायरल हो रही है वो इसी मौके की है। जिन्हें किसी बहन का अपने भाई को चूमना गलत लगता है, जिन्हें किसी भांजी का अपने मामा को चूमना गलत लगता है, तो वो एक माँ के अपने बेटे को चूमने को भी गलत ठहराने लगेंगे। किसी भाई बहन के गले लगने को भी पाप मानेंगे। कोई बहन अपने भाई से कैसे प्यार जताए, क्या ये भी कोई और तय करेगा? आप अपनी माँ बहन भांजी के साथ कैसे प्यार जताते हैं ये आप ही तय करेंगे ना, कोई और तो तय नहीं करेगा। अब ना तो विजय लक्ष्मी पंडित रही, ना पंडित नेहरू रहे, पर नयनतारा सहगल हैं। 91 साल की हो चुकी हैं, लेखिका हैं जो अंग्रेजी में लिखती हैं, इनकी कई किताबें छप चुकी हैं। जाहिर है कि पंडित नेहरू और विजय लक्ष्मी की आत्माएं अपने चरित्र हनन की शिकायत करने नहीं आएंगी, पर नयनतारा को इस घटिया मुहिम में अपनी फोटो इस्तेमाल किए जाने पर कैसा लगता होगा? नयनतारा के पिता को अंग्रेजों ने 4 बार जेल भेजा था। आजादी के बाद जब विजय लक्ष्मी को रूस का राजदूत बनाया गया तब नयनतारा नेहरू के ही साथ रहती थीं। उनके पिता रंजीत सीताराम पंडित स्वतंत्रता सेनानी थे। 4 बार अंग्रेजों की कैद में रहे, 4थी बार जब जेल से बाहर आए तब उनकी मौत हो गई। इसके बाद से नेहरू का घर ही नयनतारा का घर हो गया। पिता के जाने के बाद से मामा ही उनके पिता थे। उस समय प्रधानमंत्री आवास जैसी कोई चीज नहीं होती थी। तब नेहरू 17 York Road पर रहते थे। इसी का नाम अब मोतीलाल नेहरू मार्ग हो गया है। उन दिनों नयनतारा ही नेहरू का खाना लेकर उनके दफ्तर जाती थी। इंदिरा उनकी ममेरी बहन थी, दोनों एक ही घर में रहते थे। महात्मा गांधी की हत्या के समय भी नयनतारा यहीं रहती थी। मार्च 1998 के बाद वो अपनी माँ के साथ
मॉस्को चली गई थी। जब नयनतारा की आलोचना से नाराज इंदिरा ने उनसे बदला लिया था। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तब विजयलक्ष्मी पंडित और नयनतारा दोनों ने उनके खिलाफ झंडा उठा लिया, खूब आलोचना की। नयनतारा ने इंदिरा की तानाशाही के खिलाफ खूब लेख लिखे। बताते हैं कि इंदिरा नयनतारा को इटली में भारत का राजदूत बनाकर भेजने वाली थी, लेकिन अपनी आलोचना से नाराज होकर उन्होंने ये नियुक्ति रद्द कर दी। 2015 में इन्हीं नयनतारा सहगल ने दादरी में मारे गए मोहम्मद अखलाक की हत्या के विरोध में साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर दिया था। उनकी शिकायत थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार भारत की सांस्कृतिक एकता को बचाने में नाकाम साबित हो रही है। उस समय कई और साहित्यकारों ने अवार्ड वापस किए थे, तब उनके साथ साथ नयनतारा के बारे में मोदी विरोध में अंधी और अवार्ड वापसी गैंग जैसी बातें लिखी गईं। लोग भूल गए कि आदर्शों का हवाला देकर ही उन्होंने अपनी ममेरी बहन का भी विरोध किया था। लोग इतिहास भूल गए और आज जानबूझकर उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चरित्रहीन साबित करने पर दशकों से ऊर्जा खर्च की जा रही है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, किताबें, लेख, कुछ भी नहीं छूटा है। दर्जनों वीडियो हैं, सैकड़ों फोटो हैं जिनसे हजारों कहानियां फैलाई जाती हैं। पर ऐसी चीज़ें शेयर करने से पहले एक बार ज़रा सोचिए, किसी भाई बहन, किसी मामा भांजी के रिश्ते को आप कैसे देख रहे हैं और कैसे दिखा रहे हैं। ये थी नेहरू की इन तस्वीरों की सच्चाई। ऐसे ही तमाम सोशल मीडिया की अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए आप बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल द लल्लन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।